स्टूडेंट्स के लिए दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट काफी अहम होती है। ये मार्कशीट्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज मानी जाती है। अन्य दस्तावेज के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभार स्कूल कॉलेज या खुद स्टूडेंट्स के द्वारा एग्जाम फॉर्म भरते समय नाम में गलती हो जाती है। इस वजह से मार्कशीट में भी नाम गलत हो जाता है। इस कारण स्टूडेंट्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, फालतू में शिक्षा बोर्ड के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। कुछ राज्यों में तो ऑनलाइन भी मार्कशीट में नाम संशोधन किए जा सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट में भी ऑनलाइन तरीके से संशोधन किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में अगर आपकी मार्कशीट में नाम गलत हो गया है, नाम बदलवाने के लिए अब सरकारी गजट में आपको इसका नोटिफिकेशन निकलवाना होगा। इसके लिए आपको सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट https://cbse.nic.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा। इसके साथ ही आपको अखबार में भी यह जानकारी निकलवानी पड़ेगी। फिर आपको राजपत्र यानी सरकारी गजट में भी सूचना को इशू करवाना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 15 से 20 दिन के बाद मार्कशीट में आपका नाम बदल जाएगा। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड, तो यहाँ भी आप ऑनलाइन मार्कशीट संशोधन करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। इनमें स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा सत्यापित लेटर, 9वीं या 11वीं क्लास के पंजीकरण की फोटोकॉपी, स्टूडेंट्स का आधार कार्ड, पूर्व क्लास की मार्कशीट या रिजल्ट और त्रुटिपूर्ण मार्कशीट की फोटोकॉपी होना जरूरी होता है। इसके बाद आपको सबसे पहले अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश बोर्ड मार्कशीट करेक्शन करने की आधिकारिक वेबसाइट https://upmsp.edu.in पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दर्ज करके सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करके ओटीपी की वेरिफिकेशन करनी होगी। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। फिर आपको ईमेल आईडी की ओटीपी दर्ज करके ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी दर्ज करने के पश्चात आपको वेरीफाई ओटीपी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद इस वेबसाइट में आपका अकाउंट बनाने के लिए आपसे व्यक्तिगत जानकारियां पूछी जाएगी, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके भरना होगा। संपूर्ण जानकारी भरने के पश्चात आपसे रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुल 10 विभिन्न सेवाएं स्क्रीन पर दिखेगा, जिनमें से आपकी संशोधन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विकल्प का चयन कर लेना होगा। इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ करके भरना होगा। इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा आपकी मार्कशीट को देखा जाएगा। यदि आपकी जानकारी गलत पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड आपकी व्यक्तिगत जानकारी को सुधार देगा। इसके बाद आप पुनः नई मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए आपको mpbse.mponline.gov.in पर जाना होगा और सेम स्टेप फॉलो करना होगा। तो वहीं बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में भी इस तरह से ही अपनी मार्कशीट में संशोधन करा सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।